हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बनाएंगे छोले चना राजमा मिक्स मसाला। तो उसके लिए हमने क्या किया है, 2 कप छोले राजमा और चना रात को भिगोकर रख दिया था और सुबह इसको हमने बॉईल कर लिया है। आपको जब भी बनाना हो एटलीस्ट 6-7 घंटे के लिए उसको भिगोकर रखें। अब हम इसकी ग्रेवी के लिए मसाला तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने एक मिक्सर जार में 3 टमाटर कट करके लिए हैं, 2-3 हरी मिर्च का हमने पेस्ट बना लिया है और इसके लिए हमने कुछ ड्राई मसाले लिए हैं। उसमें है 2 तेज़पत्ता, 1 बड़ी इलायची, 3-4 काली मिर्च, 2-3 लौंग और 1 टुकड़ा दालचीनी का। तो हमने अपने टमाटर्स को कट कर लिया है, उसमें साथ में हमने 2-3 हरी मिर्च ऐड की है और इसकी हम एक प्यूरी बना लेंगे। हमने इसका एक फाइन पेस्ट बना लिया है। अब हम इसके लिए हमारे तड़के के लिए अनियन को बारीक चॉप करेंगे। आप चाहो तो इसको भी अलग से पीस सकते हो। मैंने इसको बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है। 2 मीडियम साइज़ के अनियन लिए हैं। अगर आपके पास बड़ा अनियन है तो आप 1 ही लीजिएगा। और 1 टुकड़ा अदरक का, उसे भी हम बारीक चॉप करेंगे। 2-3 लहसुन की कलियां और 2 हरी मिर्च, ये भी हम बारीक चॉप कर लेंगे। हरी मिर्च को मैंने स्लाइस कर लिया है। तो ये हमारा तड़के का मिक्सचर तैयार है। अब मैंने इसमें लौंग और काली मिर्च एक हमाम दस्ते में डाल के उसको कूट लिया है और 2 चम्मच मैंने खड़ा धनिया लिया है, उसको भी मैंने क्रश कर लिया है। अब हम अपनी कढ़ाई में घी डालेंगे। 2 चम्मच घी गरम होगा तब हम इसमें अपने खड़े मसाले ऐड करेंगे। घी गरम हो गया है, आप इसमें ऑयल भी यूज़ कर सकते हो। अब मैंने इसमें 1 बड़ी इलायची हल्की सी कूट के डाली है ताकि उसका फ्लेवर अपने घी में आ जाए। 1 चम्मच जीरा, 2 तेज़पत्ता, 1 दालचीनी का टुकड़ा और जो हमने लौंग और काली मिर्च का पाउडर बनाया था, कूट के डाला था, उसको डाला है। अब इसको हम बिल्कुल स्लो हीट पर हल्का सा भुनेंगे ताकि इसको हमें जलाना नहीं है। बस हमें इतना चाहिए कि ये खड़े मसाले अपना जो फ्लेवर है वो ऑयल में या घी में छोड़ दें। अब इसमें मैंने लहसुन और अदरक और हरी मिर्च डाल दी है और जस्ट 2-3 सेकेंड इसको स्टर करके अपने बारीक चॉप किए हुए अनियन भी डाल दिए हैं। अब हम अनियन को अच्छे से भून लेंगे। हमें अनियन को जलाना नहीं है, उसे ब्राउन करना है। तो इसको लगातार हम स्टर करते रहेंगे ताकि हमारे प्याज जो है वो जले ना। इसमें अब मैंने खड़ा धनिया जो हमने दरदरा कूटा था उसको भी डाल दिया है। 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा नमक। नमक हमने उबालते टाइम भी डाला था, तो आप
उसके अकॉर्डिंग ही डालिएगा। तो इसको हल्का सा भूनने के बाद हमारे जो कच्चे मसाले हैं वो पक गए हैं। अब इसमें हम प्यूरी ऐड करेंगे जिसको हम अच्छे से भून लेंगे जब तक कि हमारे मसाले घी ना छोड़ दे। इसको हमें लगातार चलाते रहना है। जो मिक्सचर जार में थोड़ा बहुत बच गया था उसमें मैंने हल्का सा पानी डालकर उसको भी ले लिया है। आई एम श्योर आप सब भी ऐसा ही करते होगे। तो हम इसको अच्छे से अपना भून लेंगे जब तक कि हमारा जो पूरा ग्रेवी का मिक्सचर है वो घी ना छोड़ दे। अब इसमें मैंने बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाला है और थोड़ी सी कसूरी मेथी। ये ऑप्शनल है, आपके पास है तो डालिए, इससे एक बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। और मैंने एक चम्मच मलाई भी डाली है इसमें जो हमारी ग्रेवी को थोड़ा क्रीमी स्ट्रक्चर देगी। ये हमारा ग्रेवी भुन गई है, इसमें हल्का सा पानी डाला है। अब हम इसमें अपने जो उबाल के हमने छोले चना और राजमा लिया था एक चम्मच वो डाल दिया है और उसको अच्छे से इसमें हम मैश करेंगे। वो हमने इसलिए डाला है क्योंकि हमारी ग्रेवी को ये मसाले थिकनेस देगा। आप उसको मिक्सी में पीस कर भी डाल सकते हो। तो अब हम इसको हल्का सा और पकाएंगे और अपने राजमा में बॉईल किए हुए राजमा छोले चना मिक्स करेंगे इसमें और थोड़ा सा पानी भी ऐड करेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें थोड़ा पानी और डलेगा। नाउ कंसिस्टेंसी इज परफेक्ट। अब हम इसके लिए एक तड़का बनाएंगे और इसको हम उबलने देते हैं 2 मिनट के लिए। हमारी ग्रेवी अब उबल गई है। इसमें मैंने थोड़ा सा अमचूर पाउडर डाला है। थोड़ा सा काला नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए। नमक ध्यान से डालिएगा, हमने उबालते टाइम भी डाला था और ग्रेवी को पकाते टाइम भी डाला था, तो नमक आप उसी हिसाब से डालिएगा। अब हम एक अलग से तड़का पैन लेते हैं, उसमें एक चम्मच देसी घी डाला है और उसको थोड़ा सा गर्म होने देंगे। घी हमारा मेल्ट हो रहा है। अब मैं इसमें बहुत गर्म घी नहीं है उसमें मैंने लाल मिर्च डाली है। अगर बहुत तेज़ घी में आप लाल मिर्च डालोगे तो वो जल जाएगी, तो इसमें थोड़ी सी हींग डाली है और 2 साबुत लाल मिर्च, थोड़ी कसूरी मेथी, हरा धनिया। अब इसको हल्का सा मिक्स करके हम अपने ग्रेवी के मिक्सचर में इसको ऐड करेंगे। तो ये बहुत अच्छा एरोमेटिक फ्लेवर देगा ये तड़का हमारी ग्रेवी को। ये देखिए हमारे छोले राजमा चना मसाला मिक्स बनकर रेडी है। अब बारी आती है इसकी प्लेटिंग करने की। तो हमने एक बाउल लिया है, उसमें अपने छोले चना राजमा मिक्स को डालेंगे। सो हमारी छोले चना राजमा मिक्स बनकर तैयार है। आप इसे खाइए, बनाइए और अपने फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन के थ्रू ज़रूर दीजिएगा। सब बहुत टेस्टी बनी है। तो ऐसी ही टेस्टी रेसिपीज़
को जानने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करिए माय चैनल। फिर मिलते हैं नए वीडियो में। बाय बाय।